2017 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के आसरे ही बीजेपी चुनाव प्रचार में उतरेगी। राज्य चुनाव के लिए पार्टी ने प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 13 नवंबर को देहरादून से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे और 7 दिसंबर को हल्द्वानी में इसका समापन भी करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी उत्तराखंड की हर लोकसभा सीट में रैली करेंगे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की भी चुनाव प्रचार में अहम भूमिका होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ को जंगल सफारी का तोहफा दिया। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के मौके पर पहुंचे पीएम ने नया रायपुर के नंदनवन में बाघ की तस्वीरें भी खींची। नंदनवन का यह जंगल सफारी एशिया का सबसे बड़ा मैन मेड जंगल सफारी है। बिहार के गया में 3 लोगों को देश विरोधी नारेबाजी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गांव वालों के मुताबिक इन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में और देश के खिलाफ नारे लगाए। डिटेन करके रखे हुए थे ग्रामीणों के द्वारा, वो पुलिस के पास है, अभी पूछताछ चल रही है। मामला जो पूरा का पूरा है वो अनुसंधान अंतर्गत। श्रीलंका की नेवी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम के 4 मछुआरों को बंधक बना लिया है और उनकी नाव भी जब्त कर ली है। ये गिरफ्तारी पलकबेसी पर हुआ। उनसे कंकेसन दुरई नेवल कैंप में पूछताछ की जा रही है। रेल राज्य मंत्री राजेंद्र गोहेन ने मणिपुर के सेनापति जिले में रेलवे की सबसे लंबी सुरंग योजना का जायजा लिया। सुरंग के भीतर ये रेल रूट जिरीबाम तुपुल रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। राजेंद्र गोहेन ने इस मौके पर भरोसा दिलाया कि दिसंबर 2008 तक मणिपुर को रेलवे से जोड़ दिया जाएगा। मंगलवार को केरल के मल्लापुरम में कलेक्ट्रेट परिसर में रखी एक कार में धमाका हुआ। धमाकों की वजह पर जांच शुरू हो गई है। धमाके के बाद वहां पहुंचे डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने पूरे इलाके की छानबीन की। बिहार की राजधानी पटना के बेऊर जेल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भोपाल सेंट्रल जेल की घटना के बाद पटना के डीएम ने मंगलवार को जेल का दौरा किया। बेऊर जेल में पटना और गया ब्लास्ट के 10 आतंकी बंद है। दलाई लामा ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बीजेपी नेता शांता कुमार की बुक समेत 3 किताबों को लॉन्च किया। शांता कुमार की किताब का नाम रेड शेडो ऑन हिमालय है। किताब में हिमाचल पर चीन की चालों का जिक्र है। ये इशू आज उस वक्त से भी ज्यादा ज्वलंत है, इसलिए इस पुस्तक को 50 साल के बाद दोबारा छाप कर उस विषय को जनता के सामने रखने की कोशिश की गई है। असम के तीनसुकिया में कॉलोनी में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हैं। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चला है। असम के चराईदेव में नरबली का एक मामला सामने आया है। वहां सोनारी के सुसेन गदवा में एक 4 साल की बच्ची 22 अक्टूबर से लापता थी, जिसका शव मंगलवार को झाड़ियों से बरामद किया गया, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव और सनसनी फैल गई। धड़विहीन शव के दोनों हाथ भी कटे हुए थे, जिसके आधार पर आशंका जताई जा रही है कि बच्ची नरबली की शिकार हुई है। इलाके के लोगों ने तंत्र मंत्र के आरोपी परिवार पर हमला किया